So we spent hours exploring the caves of Cherrapunji in the last vlog that you saw, but then we finally came out, and then again we spent hours doing mujra on the road for a dancery. So hi guys, welcome to the second part of the second vlog, जहाँ पे आज हम फिर से Cherrapunji explore करेंगे. We'll be exploring a different spot. So yeah, keep on watching and enjoy. Let's get started. We are done with Garden of Caves. अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कोई दूसरा फॉल्स देखने के लिए. हम यहाँ रील्स बनाने के लिए बीच रास्ते में रुके हैं. हम एकदम सुनसान जगह ढूंढ रहे हैं अभी, जहाँ हम नाच सकते हैं without disturbance. So this was the place that we stopped by. एक बहुत ही खुला मैदान जैसा ये एरिया था, एंड द ग्रास वॉज लुकिंग सो गुड, सो एस्थेटिक, लाइक ऑल ब्राउन इन कलर. और यहाँ पे सनलाइट भी काफी अच्छा आ रहा था. सो या देर वर पीपल गोइंग ऑन लाइक ऑन द रोड हु आर लुकिंग एट अस, बट फिर भी इट वॉज नॉट लाइक हम उनके मुँह पे नाच रहे थे. सो वी वे नॉट वेरी कॉन्शियस. सो दिस वॉज लाइक द परफेक्ट प्लेस. And here I'm setting up my camera, and that was Naina, who is like the dancer in the group. So she's the one who choreographed the whole reel, and I'm like the noob dancer in the group. So yeah. One eternity later. After 2 hours of shoot for one reel, we are now going somewhere. So after spending 2 freaking hours to shoot one single reel, हमें बहुत जोर से भूख लगी थी. मेरा फोन का बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड था और हम भी अंदर से डेड हो चुके थे. बट या आवर ड्राइवर न्यू दिस प्लेस, वी वेर सुपर सुपर हंग्री. सो उसने हमें इस जगह पे बोला कि यहाँ पे आप लोग खा सकते हो, यहाँ का खाना अच्छा है, एंड ही वॉज ट्रू. सो हम लोग गए अंदर, एंड मोस्टली यहाँ पे थाली वगैरह मिल रहा था एट दैट टाइम, और बहुत सारे लोग थे. सो वी ऑर्डर दिस वेज थाली, वी ऑर्डर 4 वेज थाली, बिकॉज नॉन वेज खाने का ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह तो हम वो टॉर्टिला रैप्स और चिकन नगेट्स खा के आए थे. सो हमने एक बाउल ऑफ चिकन ऑर्डर किया, ड्राई चिकन, विच इज सो सो टेस्टी, एंड दिस होल मील वॉज वेरी वेरी होलसम. लंच इज डन. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? नौकालिकाय. इट्स द लास्ट स्पॉट. So, Naukalikai Falls का एक legendary story है जो मैं आपको quickly अभी 2 मिनट में बता देती हूँ. So the story is about a woman called Likai, जो अपने बेटी के साथ रहती थी. She used to be a single mother, but then one day she decided to get married. And शादी के बाद her husband started getting jealous of her daughter, कि वो अपने daughter को ज्यादा attention देती है. So एक दिन जब Likai काम पे चली गई, तो उसके husband ने उसके daughter को मार डाला, एंड ही कुक्ड हर मीट एंड केप्ट इट फॉर Likai. सो काम से वापस आने के बाद Likai को पता नहीं था, एंड शी एट हर डॉटर्स मीट. और जब उसको पता चला, शी वेंट क्रेजी लुकिंग फॉर हिम, एंड उसको वो कहीं नहीं मिला. सो शी रीच द टॉप ऑफ दिस फॉल्स, एंड शी वॉज फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ गिल्ट, एंड आफ्टर दैट शी डिसाइडेड टू जम्प ऑफ द फॉल्स एंड टेक हर ओन लाइफ. सो उसके बाद दिस फॉल्स वॉज नेम्ड आफ्टर हर एज Naukalikai. And I still get goosebumps while telling the story. ये बहुत ही short version मैंने आपको बोला है. Full आप YouTube पे जाके search करोगे तो आपको मिल जाएगा full story. But anyways, it was all together a great feeling. जब आपको story पता and then you are actually present there to watch the falls. The falls was really very calming. और बहुत ही अलग feeling था जो मैं आपको बता नहीं सकती. एनीवेज, उस स्पॉट के बाहर ही हमें ये कुछ स्टॉल्स दिखे, तो हम वहां पे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द थिंग्स वर रियली वेरी एक्सपेंसिव, सो वी डिडंट एंड अप बाइंग एनीथिंग. सो वी आर आउट फ्रॉम Naukalikai, एंड माय फोन हैज नो चार्ज, इट्स एट 5%. सो वी आर गोइंग बैक नाउ. पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं जाएंगे. Naukalikai से निकलते निकलते ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया था. सो हमें पता था कि हम अभी कहीं दूसरा स्पॉट पे नहीं जा सकते, तो हमने यही रास्ते पे अपना ड्राइवर को बोला कि आप थोड़ा वेट करो, एंड देन हमने ये आलतू और फालतू के कुछ वीडियोस शूट किए, एंड देन वी जस्ट हेडेड बैक टू आवर होटल.
are freezing now in Shillong. या म्यूजिक के वजह से आई हैड टू कट द वॉइस, बट यहाँ दैट्स नैना, वी वर लिटरली फ्रीजिंग, तो वो बिल्कुल अपने आप को उसने कवर कर लिया था अपने स्कार्फ से. हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो हम यहाँ पे लिटरली फ्रीज हो गए थे. एंड आई वॉज वेयरिंग अ क्रॉप स्वेटर, तो आप समझ सकते हो अलग ही लेवल का ठंड था वहाँ पे. इट वॉज नॉट स्नोइंग ऑब्वियसली, बट इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि हम बर्फ पे मतलब आ गए हैं. सिक्किम गैंगटॉक में है, इतना ज़्यादा ठंड था. हम अभी फिर से चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे. दिस इज द प्लेस. चिकन मोमो, एक प्लेट खाई सौ, वन प्लेट चिकन मोमो. और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किसके मुंह से ज्यादा धुआं निकल रहा है. बचपन में अगर आपने भी ये किया है ठंड के मौसम में, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट एनीवेज, दिस वाज द चिकन मोमो दैट वी ऑर्डर्ड. इट वाज गुड, लेकिन हमने दूसरा प्लेट ऑर्डर नहीं किया. तो गाइस, अभी हम डिनर करने आए हैं एक जगह पे. इट्स अ कैफे. So this was the cafe that we went to. I will never ever forget this cafe. Firstly, because of the ramen that I had here. It is like the best ramen I ever had. And secondly, because of the owner, he was very sweet. Usne jab dekha ki hum camera mein leke aaye the, he knew that I was vlogging. So he was quite supportive about it. Wo aisa nahi tha ki aap yahan pe vlog nahi kar sakte, camera nahi la sakte and all of that. He was like, aap karo, acche se karo. And he was even asking us ki aap kya vlog karte ho, kaisa channel hai and all of that. And also the food, it was like the best I had. So guys, kal raat ka vlog main end karna bhool gayi because dinner ke baad hum log bahut thak gaye the. So we came back to the hotel और हमने थोड़ा सा रात को chill किया and then we slept. तो मैंने कुछ vlog नहीं किया उस सब का. So I forgot to shoot the outro video. So आज के लिए इतना ही है. फिर अभी आज day 3 है, आज मैं वापस घर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग घूमेंगे. So उसका मैं आज vlog करूँगी, वो next vlog में आएगा. So stay tuned for that and like, share and subscribe to my channel. Like this video, अगर अच्छा लगा तो comment करना, share करो, ठीक है? And I'll see you guys in my next video. Bye.